अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहजाद। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि रोटरी कंप्रेसर को चेक करने का फार्मूला और रोटरी कंप्रेसर को प्रैक्टिकली कैसे चेक किया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ये रोटरी कंप्रेसर है, इसके ऊपर जो कवर लगा होता है इसके ऊपर भी लिखा जाता है। ये देखिए, कॉमन है, स्टार्टिंग है और रनिंग है। अगर ये ना लिखा हो तो फिर आप मीटर के साथ इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको मीटर के साथ भी चेक करते हैं और फार्मूले के तहत इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई रेजिस्टेंस इतनी आ रही है कि नहीं आ रही। देखें, इसका फार्मूला ये था, सी एस जमा सी आर इज इक्वल टू एस आर। तो चलें अब प्रैक्टिकल करते हैं। ये इसके टर्मिनल हैं कंप्रेसर के। तो मीटर को आपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे रखना है। देखिए पीप की आवाज आ रही है। ये जो ओवरलोड लगा हुआ है आपने इसको एक तरफ रख देना है और सबसे पहले आपने चेक करने हैं ये दोनों पॉइंट। तो रेजिस्टेंस आ रही है 4। अब इन दोनों को चेक करेंगे। फोर पॉइंट फोर आ रही है और इसको चेक करेंगे तो 4 आ रही है। अब स्टार्टिंग और रनिंग को चेक करेंगे तो ये 8 आ रही है। अब देखें ये जो कॉमन है और रनिंग को चेक करेंगे तो ये रेजिस्टेंस आ रही है 4। ये कॉमन और रनिंग की रेजिस्टेंस आ रही है 4 और कॉमन और स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस 4.4 आ रही है। तो अब एस और आर की रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ये तकरीबन 8.1 के करीब आ रही है। तो तकरीबन 4 प्लस 4.4 को जमा कर किया जाए तो ये आएगा 8.4। तो आपकी स्टार्टिंग और रनिंग की रेजिस्टेंस 8.1 आ रही है, तो पॉइंटों में कम है। तो इस तरह आप रोटरी कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।